अच्छा देखो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन ले। 2 बजे शार्प अनिकेत को स्कूल से पिकअप कर लेना। उसके बाद वहाँ पे है दलिया और वेजिटेबल, वो खिला देना। और वो बहुत शैतानी करेगा, 2-3 घंटे तक चुला देना। उठने के बाद याद करके उसे आधा एप्पल काट के खिला देना, ये तो वो नहीं खाएगा। और उसके बाद हाँ, होमवर्क प्लीज करवा देना। बाय दैट टाइम लेट इवनिंग तक मैं आ जाऊंगी। और अगर मैं बस 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 दीदी जी, आप तो मन्ना नू पढ़ा रहे हो जिस तरह स्कूल में मास्टर नहीं पढ़ाया करे है। मन्ना कोचिंग मत ना दो। मैं जानू सू माँ का दिल से आपका, मेरे में तो 5-5 बालक से है। ओके ओके, आई एम सॉरी मेरी देशोरानी, माफ कर दे। पर याद करके सब कुछ कर देना प्लीज। ठीक सर, इट्स ऑल राइट। दीदी जी, अब मेरे खतर मुंबई से क्या लाओगे बताओ। अब देशो, तू बोले तो तेरे लिए सलमान खान को ले आए, सिर्फ तेरे लिए। ना 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 दीदी जी, पर मन्ने ना रंडी बुद्धा पसंद से हो सके ना मेरे खातिर ना उसका ऑटोग्राफ ले आना है। देशो, ओके। ओफो, लुक हूज हियर। Queen dressed in sari with trolley bag in her hand. Hot लग रही है। अरे hot तो वो है ही, पर hotness दूर जानू, देख ना चेहरे पे कैसे चमक धमक रही है freedom. Thank you. वैसे believe me, जितना मजा तुम लोग के साथ me time spend करने में आता ना, उतना किसी भी चीज में नहीं आता। क्यों भाई, जो हमारे prince charming है उनके साथ रोमांस करने में मजा ना आता है? देशु तू ना। अरे वैसे जानू, ये सरप्राइज क्या है? हाँ, पेशेंस बेबी, पेशेंस। हाँ, आई मीन मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस माया बेबी के लिए बोल रही हूँ, कहीं क्वीन भी अपसेट ना हो जाए। अरे कोई बुरा नहीं मानने वाला है, ट्रस्ट मी। अरे वैसे हमारी टीटी बेबी कहाँ है? कहीं वो स्नैक्स की शॉपिंग करने तो नहीं गई है? हाँ, क्योंकि वो मुंबई जा रही है और उसका ये मानना है कि दिल्ली से हूँ तो दिल्ली का खाना छोड़ के कुछ नहीं टच करूंगी, वैसा टाइप्स। भरोसा नहीं है उसका। हाँ हाँ गॉसिप गर्ल्स, तुम लोग बाज नहीं आने वाले। हाँ टीटी, थैंक गॉड तू आ गई। पता है कैब वाला 15 मिनट से वेट कर रहा है, अब चले। कैब की छोड़, तू पहले ये सरप्राइज पर से पर्दा उठाओ। के अरे बताऊंगी सबको, सब कुछ बताऊंगी, पहले फ्लाइट पकड़नी जरूरी है, चलो। और माया कहाँ है? उसके भी नंबर आ गए समी टाइम। हाँ हाँ जानवी, माया हमारे साथ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि माया ऑलरेडी मुंबई में है। क्या? मैं आपका दोस्त हूं ना, हूं ना, तो फिर दोस्ती में कैसा जजमेंट? आप बताइए मुझे, वो कौन है जो आपका फ्यूचर बर्बाद करने आया है? निहार, निहार खन्ना। निहार खन्ना कौन है? निहार खन्ना, निहार खन्ना अविनाश का एक एक्स बिजनेस पार्टनर था। मैंने ये राज सालों से अपने दिल में दबा कर रखा था, लेकिन बस अब और नहीं। बताइए आप मुझे। नील माय सन, वो अविनाश का नहीं, निहार खन्ना का बेटा है और मैं उसी से मिलने मुंबई आई हूँ। हेलो। हाँ माया। हाँ अभी बोलो। मैं यहाँ पे लंदन में हूँ, मुझे लंदन पुलिस ने पकड़ लिया। क्या? पर क्यों? माया ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैं यहाँ पे वेम्बले पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं बहुत मुश्किल से इनको कन्विंस किया कि एक बार सिर्फ मुझे अपनी वाइफ से बात करने दो। ओके अभी बताओ मैं क्या करूँ। माया तुम एक काम करो, तुम निहार को फोन करो, वो इंडिया में है, और उसको बोलो कि लंदन ऑफिस से किसी सॉलिसिटर को भेजेंगे मेरी लीगल हेल्प के लिए। ओके और कुछ?
हाँ, उसे समझाना कि उसके पास में यूके की सिटीजनशिप है, अगर वो मेरी गारंटी लेगा तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे, नहीं तो एक बार मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा तो मैं यहाँ के जेल में फंस के रह जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अभी, रिलैक्स। मैं अभी निहार को फोन करती हूँ और उसे ये सब बताती हूँ। ऑलराइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अच्छा, तुमने उसे कॉल किया कि नहीं? माया, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, मैं दो दो फोन नहीं कर सकता। माया, काम डाउन, मैंने सब पता करवा लिया है। हमें एक सोलिसिटर की जरूरत पड़ेगी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाएगा अविनाश की बेल करवाने के लिए, और वहां की पुलिस को किसी लोकल की गारंटी चाहिए, क्योंकि अविनाश का तो इंडियन पासपोर्ट है ना। तो बट डोंट वरी, मैंने सब इंतजाम करवा लिया है। निहार, अभी को जेल तो नहीं होगा ना? नहीं माया, वो आज रात ही वहां से छूट जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं काम करती हूँ, मैं ISD लगाती हूँ वेम्बली स्टेशन। I really need to talk to him. एक मिनट। इतनी भी क्या जल्दी है? What do you mean, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी वहाँ पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, लंदन में। हाँ हाँ, तो मैंने कहा ना, मैं उसे छुड़वा लूंगा। हाँ तो छुड़वाओ ना। ऐसे कैसे जल्दी छुड़वाओ? सब में मुझे क्या मिलेगा माया? क्या कहा तुमने? मैं मजबूर थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। मिस बियानी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। अविनाश को लंदन पुलिस ने छोड़ दिया। दो दिन बाद वो लंदन से दिल्ली वापस आ गए। फिर हमारी जिंदगी नॉर्मल होने लगी, सब कुछ जैसे था वैसे ही चलने लगा। मगर हर सुबह मैं इस डर के साथ उठती थी कि अगर अविनाश को सच्चाई पता लग गई तो। मैं समझ सकता हूँ मिसेस बियानी, आपकी जिंदगी का वो वक्त बहुत ही मुश्किल बीता हो, लेकिन आज अपने आप को मत रोकिए। जो दर्द आप इतने सालों से अकेले सहन कर रही हैं, उसे मेरे साथ बांट दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। निहार मेरी जिंदगी में दोबारा लौट आया है। वो अभी दिल्ली में हमारे घर पर रह कर गया है। वो फिर से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जिस बात को मैं इतने सालों पहले भूल गई थी, पीछे छोड़कर आ गई थी, आज फिर से डर बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इट्स ओके मिसेस बियानी, आपको सब एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, लेकिन ये निहार आखिर चाहता क्या है? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है? आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ नहीं आ रहा। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, सब कुछ साफ साफ है मिस बियानी। उसे आपका वीक पॉइंट पता है और उसी चीज का वो फायदा उठाना चाहता है। वो जानता है कि आपकी लगाम उसके हाथ में है और वो आपके पास जो चाहे करवा सकता है। आपको उससे ये लगाम छीननी होगी, आपको इस डर का सामना करना पड़ेगा। पर कैसे? आप अविनाश को सारी सच्चाई बता दीजिए। माया माया माया, तुम मेरे इतने पास होकर भी मुझसे इतनी दूर किसी होटल में रुकी हो? Not fair यार। अपना एड्रेस मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें पिकअप करने आता हूँ। No need। तुम्हारी ये दोस्त माया कोई बेचारी बेचारी नहीं, वो शुरू से मुझ में इंटरेस्टेड थी। इरादे और नजर तो आपके तब भी गलत थे और आज भी गलत है, पर अब मैं आपको आपके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। जो करना है कर लो, जाओ।